हाय गाइस, इस वक्त हूँ मैं सैन फ्रांसिस्को के फिशरमैन वॉर्फ एरिया में। यहाँ पर मैं आपको पियर 39 दिखाऊंगा। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है बट उतना डिटेल्ड नहीं था, तो इसको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बाहर बहुत सारे शॉप्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा स्ट्रीट मार्केट की तरह और काफ़ी अच्छा गाइस माहौल हो रखा है। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी बिजी है, लाइवली है। अब बारी है इस पूरे फिशरमैन वॉर्फ एरिया को एक्सप्लोर करने की। इस पियर 39 वाले एरिया में यहाँ पर काफ़ी आपको स्नैक्स के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और व्यू बहुत अच्छा आता है, जो स्पेशली इस एरिया का एंड है वहाँ पे अल्कैट्राज आइलैंड दिखता है, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फ्रूट स्टैंड भी है, तो कैलिफोर्निया जो है इट्स नोन फॉर इट्स फ्रेश फ्रूट्स। तो यहाँ पर अगर आप ड्राइव वगैरह पे जाओगे आपको सड़क के साइड में फ्रूट्स के स्टॉल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ आई थिंक ये लोग उस चीज़ को रेप्लिकेट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ इंडिया की जो सब्जी मंडी होती है वहाँ पर, जिस तरह से बेसिकली सब्जी और फ्रूट्स वगैरह बिकते हैं, सेम वैसा ही मुझे यहाँ पे फील आ रही है। तो गाइज़ आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी यहाँ पे बोट्स हैं। तो इसमें से बहुत सारी बोट्स जो हैं वो लोगों की अपनी पर्सनल बोट्स हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे पार्क कर रखी हैं। आई डोंट नो इफ पार्क इज़ द राइट वर्ड, और वो यहाँ पर रेंट पे करते हैं बोट्स को रखने का। और मोस्टली गाइज जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे वो सी फूड के लिए काफ़ी पॉपुलर है। मैं प्लान कर रहा हूँ एक कॉफ़ी लेने का और फिर उसके बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। जस्ट अभी कॉफ़ी लिया यहाँ पे। अब प्लान है कि मैं आपको इस एरिया के जो पियर 39 है उसके एंड में लेके जाऊँगा। वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, बे का और अल्कैट्राज आइलैंड का। और उसके अलावा वहाँ से सी लायंस भी दिखेंगे, तो जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये आ गया मेरा फेवरेट एरिया। यहाँ पर यूजुअली मैं जब भी पियर 39 आता हूँ, मैं कुछ यहाँ पे कुछ मेरे रेस्टोरेंट्स वगैरह के पैन नहीं रहते, बल्कि इस व्यू के लिए मैं यूजुअली आता हूँ। तो वो है अल्कैट्राज आइलैंड। तो अल्कैट्राज आइलैंड जाने के लिए और यहाँ पर और भी जगहें हैं, तो मेरे घर के पास एक फेरी बिल्डिंग है, वो मैंने अपने पुराने ब्लॉग्स में कई बार मेंशन की है। वहाँ से आप फेरी ले सकते हो यहाँ अल्कैट्राज आइलैंड पे जाने के लिए और जो बाकी और भी जगहें हैं वहाँ जाने के लिए। अल्कैट्राज आइलैंड जो है पहले एक प्रिजन हुआ करता था, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है तो यहाँ से ब्रेकआउट करना बहुत टफ था। अब लेकिन ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। अब गाइज यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत फेमस है वो है सी लायंस, और यहाँ से वो दिखते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो देख रहे हैं। गाइज यहाँ पर ये लॉक्स लगे हुए हैं, तो जैसे कि यहाँ पे लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, इफ़ दे आर इन लव, और अगर किसी को सैन फ्रांसिस्को बहुत पसंद है तो वो बस यहाँ पर ये लॉक्स बांध के जा सकते हैं। ऐसे ही लॉक्स गोल्डन गेट ब्रिज पे भी मैंने देखे हैं, तो लोग वो अपना नाम लिख के जाएंगे और जिनको ऐसे पसंद है। और यहाँ से अभी एक फेरी जा रही है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये सुवीनियर शॉप्स हैं बहुत सारी, जो कि बेसिकली जो ऐसे वगैरह घूमने आए हैं वो यहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं। मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये हुडीज हैं सैन फ्रांसिस्को की, ये कैप्स हो गई। यहाँ पर ये सब ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए, झूले। तो एक और यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए, ये पर्टिकुलरली झूला है सैन फ्रांसिस्को गैरोसेल, $7 की टिकट। गाइज अब मैं बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पर ये स्ट्रीट मार्केट है, तो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हॉट डॉग्स के काफ़ी वेंडर्स हैं और बहुत पॉपुलर है। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं नहीं खाऊँगा। यहाँ पर ये बैंड्स हैं, नेकलेसेस हैं, लॉकेट्स हो गए, रिंग्स मिल रही हैं। हाउ मच आर दीज रिंग्स? $25, $35. Okay. Yeah. $25, $55. Yeah. And how about those necklaces? $25. Okay. मैंने अभी इनसे प्राइस वगैरह पूछा तो $65 की हैं ये रिंग्स। यहाँ पर ये बैग्स मिल रहे हैं, कोई दुकानदार नहीं है।
दूर से लगा कि हाँ अल्कोहल मिल रहा है, बट नो, इन्होंने बस जो बॉटल्स हैं वही हैं और उसको हीट करके स्मैश कर दिया। पीछे जो था वो वहाँ पे स्ट्रीट मार्केट मैंने भी आपको दिखाया। अब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे नॉर्मल शॉप्स हैं और कुछ तो यहाँ पे एक बंदा है काफ़ी अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रहा है, ड्रम्स वगैरह बजा रहा है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। पीस।